हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम इससे पहले पिछली क्लास हमने चैप्टर फर्स्ट शुरू किया था और हमने पढ़ा था 14वीं शताब्दी के साम्राज्य में कितने राज्यों का उदय हुआ था। दो राज्यों का उदय हुआ था और विजयनगर और बेहतरीन सल्तनत। अब हम पढ़ेंगे, हमने कल विजयनगर के बारे में पढ़ा था बच्चों कि विजयनगर के संस्थापक कौन थे। कल मैं पूरा चैप्टर थोड़ा सा मैं रिविजन कर चुकी हूँ। विजयनगर के संस्थापक कौन थे, दो भाइयों के द्वारा हुई थी खरी और गुप्ता। स्थापना 1336 में हुई थी और क्षेत्रफल की दृष्टि से कृष्ण नदी से कावेरी नदी तक, गंगा की खाड़ी से अरब सागर तक था कल का। और आज हम पढ़ेंगे बहमनी सल्तनत, यानी हमने विजयनगर के बारे में पढ़ लिया था कल। अब आज हम पढ़ेंगे बहमनी सल्तनत। बहमनी सल्तनत का स्थापना जो नींव रखी थी कब रखी थी, 1347 ईस्वी में। कब रखी थी, 1347 ईस्वी में इसकी नींव रखी थी। और इसकी शासक कौन थे, अहमद शाह अली, सुल्तान अहमद शाह अली। अब हम पढ़ेंगे जो हमारे क्षेत्र का इतनी दक्कन शैली पर उसका प्रभाव किस किस पर दिखाई देता है। जैसे कि हमको नाम से ही पता लगा है कि बहमनी सल्तनत यानी सुल्तान यानी मोगलंस थे और मोगलंस यानी ईरान से आए थे। तो इस शैली पर जो प्रभाव पड़ा था यानी विजयनगर पर हमारा प्रभाव था अजंता एलोरा शैली का। लेकिन हमारी जो इस शैली का जो प्रभाव पड़ा है किसका पड़ा है, ईरानी अरेबियन और तुर्की भाषा का, तुर्की का इस पर प्रभाव पड़ा है। अब इसका हमने नाम सोचे कि हमने नाम क्या रखा, नाम क्यों बहमनी सल्तनत रखा। तो ये हमारे मोगलंस जो राजा थे उनकी आदत थी कि वो अपने राज्य का नाम ही अपने नाम पर रखते थे जिससे उनकी पहचान बनी रहे। ऐसा हमारे हिंदू राजाओं में नहीं होता था। तो उन्होंने अपना जो नाम रखा था सुल्तान बहमन शाह के नाम पर ही उन्होंने जो राज्य का नाम रखा था बहमनी सल्तनत। अब हम पढ़ेंगे इसके चित्र के उदाहरण। अब हमको यहाँ की जो चित्रकारी थी किस शैली की थी, हम किस तरह से पता लगे इसका, हमारे इतिहासकार डॉक्टर बटेज के अनुसार, इतिहासकार बटेज के अनुसार हमारे विदर्भ दुर्ग दुर्ग के रंग महल में जो चित्रकारी हमें मिली, जो वेलबूट मिले, जो अलंकारिक मिला, उससे हमको ये एहसास होता है कि इस शैली में पूरा पूर्ण रूप से ईरानी शैली का प्रभाव हमको दिखाई देता है। अब ये शैली कितने भागों में बटी, क्योंकि हमारा ये जो महल राजा था सुल्तान था वो थोड़ा विलासपूर्ण जिंदगी जीता था और उसने जो अपने साम्राज्य के छोटे छोटे राज्य थे उन पर उसने ध्यान नहीं दिया और इसी कारण राज्य के छोटे छोटे राजा आपस में लड़ने लगे और ये राज्य जो बहमनी सल्तनत थी वो पांच भागों में विभाजित हो गया। क्योंकि पांच भागों में विभाजित होने के बाद जैसे उनका नाम रखा था विदा, विरा, बीजापुर, गोलकुंडा और अहमदनगर। अब ये पांच भागों में विभाजित होने के बाद बात यहीं तक नहीं रुकी, फिर उन्होंने क्या किया, जो यहाँ के पांच राज्य थे सबसे श्रेष्ठ उनमें जो शक्तिशाली राजा थे, तो सबसे शक्तिशाली राजा कहाँ के थे, बीजापुर के और अहमदनगर के। कहाँ के थे, बीजापुर के और अहमदनगर के शक्तिशाली राजा थे। इस वजह से बीजापुर ने विरार और अहमदनगर ने विरार पर आक्रमण करके इनको अपने कब्जे में ले लिया। तब इस प्रकार के दो राज्यों का विलीन हो गया। जब ये दो राज्यों का विलीन हो गया तो हमारे बचे कुल मिला के कितने बचे, हमारे ये वाले तीन राज्य हमारे बचे और ये वाले हमारे राज्य क्या हो गए, विलीन हो गए। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे बीजापुर, गोलकुंडा और अहमदनगर की शैली के बारे में जो हम नेक्स्ट पढ़ेंगे। आज हमने तुमको ये पढ़ाया, अब इस टॉपिक को हम दोबारा एक बार रिविजन करके समझा देती हूँ कि 14वीं शताब्दी में दो साम्राज्यों का उदय हुआ, विजयनगर और बहमनी सल्तनत। अब हमने कल विजयनगर के बारे में हमने कल पढ़ लिया था। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे बहमनी सल्तनत के बारे में। अब इसकी स्थापना कब हुई, जैसे क्वेश्चन आता है हमारा कि बहमनी सल्तनत की स्थापना कब हुई थी, तो 1347 ईस्वी में हुई। यह छोटे क्वेश्चन वन फोर क्वेश्चन में जरूर अक्सर आते हैं, इसको ध्यान आपको रखना पड़ा है। इसके साथ साथ कौन थे, सुल्तान अहमद अली शाह। फिर इसका प्रभाव किस पर, अगर हमारा क्वेश्चन अक्सर यह आता है दक्षिण शैली पर किस शैली का प्रभाव दिखाई देता है, तो हम बोलेंगे ईरानी अरेबियन और तुर्की भाषा का। अब इसका नाम क्यों रखा, बहमनी सल्तनत क्यों रखा नाम, ये सुल्तान के नाम पर ही रखा था क्योंकि मोमिन की अपनी एक फितरत होती है कि वो अपना राज्य का नाम अपने ही नाम पर ही रखें। अब हम पढ़ेंगे चित्र उदाहरण जो हमारे ब्रिटिश इतिहासकार थे उनके अनुसार
पंद्रहवीं शताब्दी में जो पांच रंग महल जो सॉरी जो चित्र के धारण थे विदर्भ के रंग महल में जो चित्रकारी थी उसकी जो वेशभूषा थी उसकी डेकोरेशन थी उसके हिसाब से हमने ये मालूम किया कि इस पर किस श्रेणी का प्रभाव दिखाई देता है। अभी अभी यहाँ पर राजा तो पांच वो थोड़ा विलासीपूर्ण था जिंदगी भी ऐसे जीता था। उसने छोटे राजों पर ध्यान ना देकर अपनी ऐशो आराम एयासी पर ध्यान दिया और इस कारण आगे जो स्ट्रॉन्ग राजा थे जो शक्तिशाली राजा थे वो आक्रमण कर करके पांच भागों में पंद्रहवीं शताब्दी में पांच भागों में विभाजित हो गया जिसमें बीजापुर और अहमदनगर के राजा ज्यादा शक्तिशाली थे और उन्होंने विरार और विरार ये दो राज्यों पर आक्रमण करके इन दोनों राज्यों का विलीन हो गया और हमारे एंड में बचते हैं लास्ट में बीजापुर गोलकुंडा और अहमदनगर। ये बच्चों लर्न करने लायक है ये सारे टॉपिक कोई टॉपिक छोड़ने वाला नहीं है हमको इससे करेंगे छोटे छोटे क्वेश्चन हमारे इसी में से आते हैं। थैंक यू बच्चों। अब इसके नेक्स्ट टॉपिक में जो पांच भागों में विभाजित हुआ है उसका नेक्स्ट टॉपिक में अगली क्लास में पढ़ाऊंगी। थैंक यू।